हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी विकास वर्सेस बांकुरा हीरोज के बीच में होने वाला 50 T20 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलीगुड़ी विकास ने अभी तक इस सीजन में एक मैच खेला और एक मैच जीते, और बांकुरा हीरोज ने दो मैच खेले, दोनों मैच हार गए फ्रेंड्स यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 9:45 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी लगभग 3 घंटा बाकी है। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे विकेट कीपर हैं, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है और यहाँ पर बॉलर्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ पर 40+ प्लेयर मिलेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना, मुझे फॉलो करना, मुझे फॉलो ही करते आपको यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। ये टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर आप किसी भी लीग, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, मिनी ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, जो भी लीग आप खेलना चाहोगे फ्रेंड, आप 100% जीत सकते हो। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और काम आपको करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर इस तरह सर्च करना क्रिकेट भी शत्रुघ्न चौबे, सर्च करते ही मेरा चैनल हो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये मैच की बात करते हैं, बंगाल क्रिकेट अकेडमी कल्याणी बंगाल वेस्ट बंगाल कोलकाता में खेला जाएंगे। और यहाँ पर लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, ये लीग का नाम है बाइजूस बंगाल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 2021 का लीग है। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं। तो विकेट कीपर की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 4 विकेट कीपर को पिक किए फ्रेंड्स। पहला विकेट कीपर है चंदन सिंह, ने लास्ट मैच दो अभी तक तो खेले नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही मैच खेले सिलीगुड़ी विकास ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 मैच में 576 रन बनाए, और जावेद असलम ने 6 मैच में 19 रन बनाए और लास्ट मैच में 2 रन बना के आउट हो गए। यहाँ पर ओम सिंह की बात करें तो बांकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 मैच में 28 रन और 10 विकेट है, और यहाँ पर लास्ट मैच में 10 रन बना के आउट हो गए। और अयान सिन्हा की बात करें तो बांकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं, और यहाँ पर 2 मैच में 78 रन बनाए और यहाँ पर 11 रन बनाए लास्ट मैच में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अयान सिन्हा आपको बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2 मैच में 78 रन है यहाँ पर इनका ओवरऑल देखा जाए तो, यहाँ पर लास्ट मैच में 11 रन बना के आउट होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अयान सिन्हा को आप यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं अयान सिन्हा को मैंने ले लिया। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की, तो बैट्समैन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 से 4 बैट्समैन को यहाँ पर पिक करने वाले हैं। तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आर्यमन सिंह, अगर इनकी बात करते हैं यहाँ पर सिलीगुड़ी विकास के लिए खेलते हैं और लास्ट मैच में 15 रन 0 विकेट नॉट प्ले इनकी लास्ट 3 मैच की स्कोर कार्ड है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 16 मैच में 374 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ईपू शाह लास्ट मैच में 16 रन बना के आउट हो गए, 26 मैच खेले 738 रन है फ्रेंड्स, उसके साथ साथ 4 विकेट से, तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है फ्रेंड्स यहाँ पर। और अर्घदीप शाह की बात करते हैं 39 मैच में 377 रन बनाए, अगर इनकी बात करें तो लास्ट मैच में 38 रन बनाए और यहाँ पर जो पुराने मैच है फ्रेंड्स उसमें 14 रन बनाए थे। उसके बाद यहाँ पर दीप सरकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, 18 मैच में 71 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर, इनको अवॉइड कर दीजिए। और यहाँ पर ऋषभ अग्रवाल ने 7 मैच में 180 रन बनाए, लास्ट मैच में 27 बना के आउट हो गए फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद नबन कुर घोष की बात करते हैं, लास्ट मैच में 23 रन बनाए, और यहाँ पर राम ठाकुर की बात करते हैं 9 मैच में 44 रन और 4 विकेट है, लास्ट मैच में 1 विकेट इनको मिला। उसके बाद यहाँ पर अर्ना दरीपा की बात करें तो बांकुरा हीरोज के लिए खेलती है और यहाँ पर 3 रन और 5 रन बनाए, और यहाँ पर संजीव गराय की बात करें तो बांकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं फ्रेंड्स, 24 मैच में यहाँ पर 13 रन और 54 विकेट है, 4 रन नॉट आउट 1 विकेट है, 0+0 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद सौरभ मंडल की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 82 मैच 406 रन 125 विकेट है, 2 रन कोई विकेट नहीं, 5 रन कोई विकेट नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बांकुरा हीरोज की नेक्स्ट प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पर सुदीप्ता साहिस, अगर इनकी बात करें 0+2 विकेट और 0 रन है, और यहाँ पर एस के साजुद्दीन की बात करें तो बांकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं फ्रेंड्स, 0 विकेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनमें से आपको यहाँ पर 3 से 4 बैट्समैन यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर सौरभ मंडल को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, भले यहाँ पर एक मैच लास्ट जो खेले थे दोनों मैच यहाँ पर फ्लॉप है, लेकिन यहाँ पर इनकी ओवरऑल स्टैट्स अच्छा है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर राम ठाकुर है, यहाँ पर नबन कुर घोष को आप यहाँ पर ले सकते हो फ्रेंड्स, ऋषभ अग्रवाल यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको नबन कुर घोष को यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लेयर हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो अर्घदीप शाह को यहाँ पर आप ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पर ईपू शाह को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बैट्समैन को पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ईपू शाह है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसके बाद अर्घदीप सिंह है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो एस मंडल है फ्रेंड्स यहाँ पर, सौरव मंडल को आप यहाँ पर ले सकते हो, आर अग्रवाल को ले सकते हो, एन घोष को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 4 बैट्समैन को पिक कर लिया। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो फ्रेंड्स ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन में यहाँ पर ऑलराउंडर्स लिख के रख चुके हैं। तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर सौगता दक्का, सिलीगुड़ी विकास के लिए खेलते हैं, अगर इनकी बात करें तो 65 मैच में 1538 रन बनाए और यहाँ पर 85 विकेट लें, लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स यहाँ पर
लास्ट 5 मैच में इनको एक मैच में भी बॉलिंग बॉलिंग नहीं की। तो यहाँ पर देखा जाए तो 16-0, 72 रन और नॉट प्ले फ्रेंच यहाँ पर। तो चलिए स्वागत है दत्ता, तो लास्ट मैच नहीं खेले लेकिन इनके लास्ट 5 मैच की स्कोर कार्ड आपको मैंने दे दिया। उसके बाद हरतिंदर सिंह की बात करते फ्रेंड्स, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए और 40 मैच में 691 रन और 52 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर अनिक नंदी की बात करते तो लास्ट मैच में एक्सेलेंट बॉलिंग किए थे। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को आपको लेने के लिए मैं लास्ट मैच में बोला था और मैं अपने टीम में लिया था इनको, तो अच्छे विकेट दिए थे। वो भी मैं फाइनल 11 पर बनाया था फ्रेंड्स, मैं वहीं पर खेलता तो वहाँ पर 3 विकेट लिया था और अच्छे विनिंग भी वहाँ पर भी मेरा हुआ और 2 मैच में 44 रन और 6 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर समीर डिबार की बात करते फ्रेंड्स, 9 मैच में 117 रन और 21 विकेट है। उसके बाद शुभदीप मंडल की बात करें तो 7 मैच में 95 रन 42 और 5 रन बनाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ पर शुभदीप मंडल को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अनिक नंदी है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको आप कंफर्म कर सकते हो यहाँ पर। और समीर डिबार तो नहीं खेले लेकिन इनकी स्टैट्स अच्छा है फ्रेंड, 9 मैच में 21 विकेट, आसान नहीं होता भले वो टेस्ट हो या वनडे कोई भी लीग हो। तो यहाँ पर स्वागत है दत्ता, तो नहीं खेलें, अगर खेलते हैं तो इनको जरूर लीजिएगा फ्रेंड। उसका वो हरतिंदर सिंह है तो जल्दी से विकेट की सॉरी ऑलराउंडर्स को पिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो एस मंडल है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए नंदी को मैंने दिया फ्रेंड्स। स्वागत है दत्ता तो लास्ट मैच नहीं खेले फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हेच सिंह है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं 3 ऑलराउंडर को पिक कर लिया। अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर गेंदबाजों के भी स्टैट्स मैंने लिख के रख चुका हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। तो पहला बॉलर है यहाँ पर आदित्य शर्मा, अगर इनकी बात करें तो 2 मैच नहीं खेले लेकिन इनके ओवरऑल स्टैट्स बहुत अच्छा है, 78 मैच 1713 रन 75 विकेट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल इनकी बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो फ्रेंड्स इनको आप जरूर ले लेना। उसके बाद यहाँ पर मिथिलेश दास की बात करते फ्रेंड्स, सिलीगुड़ी विकास के लिए खेलते, 77 मैच 1293 रन 45 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर लास्ट मैच में 0+0 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर शुभंकर दास की बात करते फ्रेंड्स, 14 मैच में 442 रन और 2 विकेट है। विजय शर्मा ने 9 मैच में 6 विकेट लिए और 1 विकेट लिए फ्रेंड्स यहाँ पर। सोनू कुमार की बात करते 55 मैच में 93 रन और 80 विकेट है। एस के अली की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच में बहुत अच्छे गेंदबाजी किए 2 मैच में। यहाँ पर बंकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं, 0+1 विकेट 1+2 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको जरूर कन्फर्म कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बिबेल कौरी की बात करें तो फिर विवेक कौरी की बात करें तो 5+2 विकेट हैं और 0+3 विकेट है। तो फ्रेंड्स इनको अभी आप ले सकते हो। अभिषेक खान की बात करें तो 25+0 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किस किस प्लेयर को लेना, मैं यहाँ पर आपको मैं बता सकता हूँ, आदित्य शर्मा नहीं खेलते हैं, अगर खेलेंगे तो फ्रेंड्स इनको जरूर टीम में लेना। और उसके बाद मिथिलेश दास को यहाँ पर देखा जाए तो इनको आप ले सकते हो, एक बॉलर भी हैं एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में। और यहाँ पर शुभंकर दास अभी तक नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर, और विजय शर्मा को यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच में 1 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर एसके अली आपको यहाँ पर कंफर्म करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एसके अली को यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद विवेक कौरी को यहाँ पर आप ले सकते हो। तो जल्दी से बॉलर्स को भी हम लोग यहाँ पर पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बी कौरी और एस किस्मत अली को यहाँ पर हम लोग ले लिए फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक और प्लेयर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप गाराई को ले सकते हो, बी शर्मा को ले सकते हो, ये खान है फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको मिथिलेश दास आदित्य शर्मा तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मिथिलेश दास को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी टीम तो बन गया फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करिए, नंदी आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है और हरतिंदर सिंह आपको यहाँ पर वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार टीम प्रीव्यू देख लीजिए। और यहाँ पर देखा जाए तो विकेट कीपर में ये सिन्हा है और यहाँ पर बैट्समैन में यहाँ पर आहिस्ता हा, एनगोस, आर अग्रवाल और एस मंडल है फ्रेंड्स यहाँ पर। और बैट्समैन ऑलराउंडर्स में यहाँ पर ये नंदी, हित सिंह और एस मंडल है। और यहाँ पर गेंदबाजी में मिथिलेश दास, बी कौरी और एस किस्मत अली है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में ये नंदी और हित सिंह को मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी प्लेयर मिस हो, अगर कोई भी प्लेयर मिस होंगे तो फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड टेलीग्राम पे जाके इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करते ही मेरे चैनल से हो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फिर से मैंने बताया, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करोगे तो फाइनल टीम कहाँ से मिलेगा, तो फ्रेंड जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।